कटनी के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को मलेरिया की एक्सपायरी दवाई खिला दी गई है। इसकी खबर जैसे ही जिला अस्पताल के मरीजों व उनके परिजनों को लगी तो अस्पताल में हंगामा मच गया और इसकी शिकायत जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एस के शर्मा से की गई। CSS के शर्मा को इसकी खबर लगते ही उन्होंने दवा देने वाले जिला अस्पताल के स्टाफ को फटकार लगाई और एक्सपायरी दवा खिलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। संवाददाता हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मीडिया वालों के लिए सब छूट है। कहीं फरवरी 2018 एक्सपायरी डेट है और आज अभी अगस्त 2018 चल रहा है, तो 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। खिलाई गई है बच्चों को, क्योंकि मेरे भांजे को खिलाई गई है जिससे उनको पेट दर्द और उल्टियाँ हो गई। क्या नाम है? राम कुमार विश्वकर्मा। भांजे का नाम? नीलेश विश्वकर्मा। तो पढ़ लिए, डेट एक्सपायर है। जो पढ़े लिखे गरीब आदमी गांव से आते हैं उनका क्या होगा? ऐसे उनका तो खत्म ही कहानी है फिर, अगर ऐसा चलता रहेगा यहाँ पे हॉस्पिटल में। चलिए भैया, क्या हुआ है यहाँ? मैंने देखा तो यहाँ पे एक बहस चल रही थी, वो भैया आए हुए थे तो वो मैडम को दवाई दिखा रहे थे कि ये देखिए मैडम, ये आप दिए हैं, ये एक्सपायरी डेट की है। तो वो मैडम ने दवाई उनसे ले ली। इतने में वो उनकी मम्मी आई बच्चे की जो भर्ती है, वो दवाई उठाने लगी तो उनसे भद्रता पूर्वक से बात करने लगी कि मतलब ये क्या है, छोड़ो हाथ, ऐसा करके। और फिर बोले कि हमने तो दवाई दे दी है, हमने तो दवाई दूसरी दे दी है, अब ख़त्म करो इसको। और मतलब बहुत बुरे तरीके से बात कर रही थी। मैं बताया जाता कि सुबह उल्टी हुई वही है बच्चे को। उल्टी हुई है बच्चे को। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। कि जैसे जिला अस्पताल में जिस तरह से अव्यवस्था तो मची हुई थी ये कचरों को लेकर भी, आज सवेरे एक मामला और देखने को मिला है अस्पताल में, जिस तरीके से कुछ लोगों को एक्सपायरी दवा दे दी गई है, पर उसके लिए फिर अचानक उन्होंने जब देखा और हड़कंप मची तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ। नहीं, ये बात मेरी जानकारी में आप लोग के माध्यम से ही आई है और मैंने शिक्षा से पूछताछ करी है। वो असल में मलेरिया की गोली थी और आधी आधी करके वो खिलाई गई बच्चों को, क्योंकि वो जो बड़ों का डोज होता है वो डब्बा वहाँ दिया गया था, तो उसमें से आधी गोली सिस्टर ने खिलाई थी। जब दवाई, वैसे तो सर्वप्रथम तो एक्सपायर दवाई होना नहीं चाहिए। जी जी जी। किसी भी सिस्टर की ड्यूटी है कि उसको देखे कि दवाई जो भी है वो वहाँ एक्सपायर तो नहीं है, चाहे इंजेक्शन हो, गोली हो या सलाइन हो। जी। यह तो सिस्टर की शुद्ध लापरवाही है, उस पर एक्शन लेंगे। और बाकी वो गोली पता लगा ली मैंने कौन सी मलेरिया गोली थी। जी जी। और गोली का एक्सपायर होना का मतलब ये होता है कि उसकी गुणवत्ता जी में कमी आ जाती है, यानी कि यदि 100%